विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले वीडियो में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के विषय में बहुत कुछ सीखा था, आइए अब कुछ नया सीखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे रोजिंदा जीवन में विविध प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन पदार्थों के बिन उपयोगी हो जाने पर हम उन्हें फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फेंके गए पदार्थ जमीन पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ सड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से हम ऐसे पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, पहला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। विद्यार्थियों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे कि जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा तथा कीटकों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे घर से निकला हुआ फलों का कचरा, इन्हें जब हम जमीन पर फेंक देते हैं तब सूक्ष्म जीव इन्हें खा करके अपघटित कर डालते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं कर सकते, या जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं हो सकता, उसे हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां, आपने देखा होगा कि जब हम प्लास्टिक की थैलियों को फेंक देते हैं तो लंबे समय तक सड़ती नहीं है। आइए कुछ ऐसे ही अन्य और पदार्थ की चर्चा करते हैं कि वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। उसके लिए हम इस सारणी को भरेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जी और फलों के छिलके तथा बचा हुआ भोजन। विद्यार्थियों, इन्हें अपघटित होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है और यह जैव निम्नीकरणीय प्रकार का कचरा है। दूसरा आता है कागज, इसे अपघटित होने में 10 से 30 दिन का समय लगता है। यह आपको भरना है कि यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। सूती कपड़ा, इसे अपघटित होने में 2 से 5 दिन लगता है, अर्थात यह जैव निम्नीकरणीय प्रकार का पदार्थ है। लकड़ी के टुकड़े को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, अर्थात यह जैव निम्नीकरणीय है या जैव अनिम्नीकरणीय, यह आपको भरना है। ऊनी वस्त्र, इन्हें लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, इन्हें अपघटित होने में 100 से 500 वर्षों तक का समय लग जाता है। इतना लंबा समय लगता होने के कारण ही यह जैव अनिम्नीकरणीय प्रकार के पदार्थ हैं। प्लास्टिक की थैलियां, इन्हें तो विद्यार्थी मित्रों अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। अब आपको ये सोचना है कि यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है और इस सारणी में भरना है। विद्यार्थियों, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेते हैं, यह पर्यावरण के लिए हितेशी नहीं है, यह पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का एक कारण बन जाते हैं। उपरांत प्लास्टिक को जलाने पर अत्यधिक मात्रा में विषैली गैसें देखने को मिलती हैं, जो कि पर्यावरण को दूषित करती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग के कारण कई जगहों पर प्लास्टिक के कचरे के ढेर बन चुके हैं, इसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन चुके हैं, जिनका हमें निवारण करना जरूरी बन जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए, उसके कम उपयोग को सहयोग देना चाहिए। जहां तक हो सके हमें प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करके उपयोग में लेना चाहिए। इसके लिए हमें 5 R के सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये 5 R का सिद्धांत क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला है उपयोग कम करना, यानी रिड्यूस, हमें कुछ चीजों के उपयोग को कम कर देना चाहिए। नंबर 2, पुनः उपयोग करना, यानी रीयूज, हो सके तो जिस चीज का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं उसका दोबारा उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप अचार के डब्बों को जब बाजार से लेकर के आते हैं, तब उसी अचार के डिब्बे में अचार खाली हो जाने के बाद हम चीनी या नमक रखने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। पुनः चक्रित करना, यानी रिसाइकल, विद्यार्थी मित्रों, जिस किसी भी चीज का हम उपयोग करके फेंक देते हैं उसका यदि संभव हो सके तो रिसाइकल करके उपयोग में ले लेना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों को जब हम फेंक देते हैं तब उसी प्लास्टिक की थैलियों को दूसरी अन्य प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में उपयोग में लिया जा सकता है। 4th आता है पुनः प्राप्त करना, यानी रिकवर करना, और 5th आता है उपयोग ही न करना, यानी रिफ्यूज। यह 5 R हमारे लिए जरूरी है, यानी हो सके तो हमें 5वें नंबर का जो R है रिफ्यूज करना, यानी विविध प्रकार की चीजों का उपयोग करना हमें बंद कर देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक के बने हुए डब्बों की जगह पर हम स्टील के बने हुए डब्बों का उपयोग भी तो कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्लास्टिक का उपयोग ही बंद कर देंगे, यानी उसका उपयोग न करना रिफ्यूज कहा जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों,
कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में जब हम बाजार से कोई खाने पीने की चीज लेकर के आते हैं तो उसको खा लेने के बाद उसके कचरे को प्लास्टिक की थैली में ही लपेट कर फेंक देते हैं। और कई बार होता क्या है, ऐसी प्लास्टिक की थैलियों को जानवर प्लास्टिक की थैली के समेत ही खा जाते हैं, रेपर के समेत निकल जाते हैं, जिससे पशुओं को श्वसन तंत्र में कंठरोध और आमाशय के अंदर विविध प्रकार के भयंकर रोग हो जाते हैं, जिससे कई बार ऐसे जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। आपने इस प्रकार के चित्र अपने आसपास के बाजारों में तो जरूर देखे होंगे। जिले विद्यार्थी मित्रों, हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जीवों में भी तो जान है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा हमें सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। हो सके तो हमें प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग में लेने के बाद दोबारा उन्हीं प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। बाजार में जब आप फल या सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तब आप उन्हीं थैलियों को दोबारा ले जाएं तथा दुकानदार से आग्रह रखें कि वे प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें और कागज की थैलियों में या अपने द्वारा ली जाए जाने वाली थैलियों का ही उपयोग करें। खरीदारी के लिए सूती कपड़े या जूट की बनी हुई थैलियों का उपयोग करें। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हमें 5 R के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। प्लास्टिक के डब्बों की जगह पर धातु के बने हुए डब्बों का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे अन्य उपाय और हैं जो आप सोच सकते हैं कि जिससे हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि अब आप भी प्लास्टिक के कम उपयोग को सहयोग देंगे और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में मदद करेंगे, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि वे भी इन्हें देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी अगला लेसन हम वीडियो बनाएं और अपलोड करें तो आप उसे आसानी से देख सकें।